नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। विगत 6 जुलाई को थाना पिनाहट के भद्रौली में व्यापारी के यहाँ हुई लाखों रूपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिला और 5 पुरुषों को गिरफ्तार कर खुलासा किया गया। इस डकैती में 13 लोग शामिल थे, 6 लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इस डकैती में व्यापारी शिवदत्त के घर से लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी की लूट की गई थी, जिसमें से पुलिस ने 1,47,000 रुपए की बरामदगी की है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 7 चांदी के सिक्के और 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाकी की रकम फरार अभियुक्तों के पास है। इस डकैती में कुछ लोग आगरा के तो कुछ फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और वो अभी भी फरार हैं। पिनाहट अंतर्गत एक व्यवसायी के घर में कुछ लोगों द्वारा रात में प्रवेश कर और उसको बंधक बना कर के घर से नकद और कुछ सामान लूटे जाने की घटना हुई थी। इस घटना में जो व्यक्ति शामिल हैं वो घर के पीछे से चढ़े थे और उसके संबंध में हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। बाद में हमको अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिरों के माध्यम से कई गैंग्स के बारे में पता चला, जो आसपास के जनपदों में भी और जो आगरा जनपद के फ्रिंज एरियाज है कभी कभी वहां पर वारदातें करते हैं। ऐसी ही अलग अलग गैंग्स के वेरिफिकेशन के दौरान हमें कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे हमको पता चला कि एक पर्टिकुलर गैंग इस घटना में शामिल हो सकता है। जब हमने इस गैंग पे काम करना चालू किया तो धीरे धीरे ये क्लियर हो गया कि 8 लोगों का ये गैंग इस घटना में शामिल होगा। गैंग्स के सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करते करते इस घटना का अनावरण किया गया है और यह समझ में आया कि उस दिन की घटना में न्यूनतम 11 लोग शामिल रहे होंगे, जिसमें कुछ लोग रेकी में, कुछ लोग वॉच करने में और कुछ लोग घर में प्रवेश करने में शामिल थे। उसी क्रम में घटना में शामिल 5 व्यक्तियों को पिनाहट पुलिस द्वारा और जो ईस्ट जोन है उसमें और भी कई टीमें इसमें जो लगाई गई थी उनके द्वारा कंबाइंड रूप से काम करते हुए गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो इनका शेयर था उसका एक पोर्शन, मेजर पोर्शन बरामद हुआ है। इनके साथ इनका सहयोग कर रही 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इनका पैसा छिपाने और उसको पुलिस से बचाने में इनकी मदद करी। यह भी समझ में आ रहा है कि शेष जो 6 अभियुक्त, न्यूनतम 6 अभियुक्त इसमें शामिल हैं, उनके भी परिवार वाले उनका सहयोग उनके बचने और छिपने में कर रहे हैं और जो शेष धनराशि अभी बरामद होनी है उसको लगातार कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में लगे हुए हैं जिससे वो बरामद ना हो पाए, हमको इस बात की जानकारी मिल रही है। टीमें लगातार सक्रिय हैं, बहुत जल्दी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके शेष धनराशि को बरामद किया जाए इसके प्रयास जारी हैं। साथ ही साथ जो 6 व्यक्ति हैं उनसे हमको अतिरिक्त जानकारी मिलेगी कि यदि 11 से अधिक भी कोई एकाध व्यक्ति और भी शामिल रहा है, क्योंकि अभी जो मुख्य साजिशकर्ता हम जिनको मान के चल रहे हैं वो अभी शेष हैं, तो उनके पकड़े जाने के साथ उस अतिरिक्त जानकारी में यदि और भी व्यक्ति प्रकाश में आएंगे तो उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई और जितनी जिन्होंने लूट में रकम लेकर के गए हैं उसकी अधिक से अधिक बरामदगी के प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। आज जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, इसमें से कुछ लोग पिनाहट के, कुछ ताजगंज के और गैंग का एक पोर्शन फिरोजाबाद का भी है। 2 गैंग्स ने आपस में मिलकर के ये घटना की है। इनसे हमको 1,27,000 रुपए, इनके मुताबिक इनके हिस्से में 1,71,000 रुपए आए थे, उसमें से 1,27 हमको बरामद हुए हैं। 9 सिक्के भी जो मौके से
लूटे गए थे, जिसमें एक सीमेंट कंपनी की तरफ से वो टोकन के रूप में उनके पास थे, वो बरामद हुए हैं और साथ में अग्नियास्त्र बरामद हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण में दो हफ्ते के अंदर अच्छा सफल अनावरण टीम ने किया। इसमें थानाध्यक्ष पिनाहट, जो हमारी सिटी की एसओजी और सर्विलांस टीम है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही साथ अन्य थानाध्यक्षों ने भी बहुत अलग अलग व्यक्तियों को ट्रेस करने में, उनका वेरिफिकेशन करने में उसमें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।